हैं, बहुत ताकतवर हैं, तो आप इनको लीजिए, पर एक दो ही लीजिए। इससे आपको किसी भी, आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आपके बदन में दर्द हो रहा है, आपकी आंखों में कमजोरी है, ये खास करके आंखों के लिए बहुत बढ़िया रामबाण औषधि है। आंखों की रोशनी की अगर कमी हो रही है। नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में एक जड़ी का पौधा की टहनी है, तो देख लीजिए ये फल, ये एक एक फल हुआ करता है, एक एक फल लगता है, ऐसा नहीं कि गुच्छे में लगे, ये एक एक फल लगेगा, जहां भी लगेगा एक फल लगेगा, आप देख लीजिए, पहचान लीजिए, हर जगह ये एक ही फल, सिंगल फल लगेगा, ये गुच्छों में फल नहीं लगता है, एक एक फल लगता है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी भी प्रकार से शरीर के अंदर कमजोरी हो गई हो तो ये कमजोरी के लिए बहुत बढ़िया रामबाण औषधि है। तो ये पौधा है अंजीर का, ये तो आप इसके, ये अभी पके नहीं है, ये कच्चे फल हैं, जब पकेगा ये लाल कलर में हो जाएगा। अगर आपको ताजा अंजीर का फल मिल जाता है तो आप एक फल या दो फल या एक फल, बस इससे ज्यादा नहीं, आप इसको दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह खाली पेट आप इसको एक गिलास दूध और एक या दो अंजीर, इससे ज्यादा नहीं कि मिल जाए तो आप जो है खाते चले जाइए, फिर नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए आप इसको अंजीर को, आप स्वास्थ्य वर्धक चीजें, तो आप इनका एक दो अंजीर प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आपको जरूर लाभ देगा। पर हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि 15 दिन तक इस्तेमाल करें, 15 दिन के बाद एक दो दिन के लिए रोक दें इसको, क्योंकि ये नुकसान भी कर सकता है। अगर ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको जो है फैट जमा हो सकता है, आपको नुकसान कर सकता है, आपके घुटनों में दर्द कर सकता है, तो आप ज्यादा इस्तेमाल न करें, सीमित इस्तेमाल करें, एक या दो फल ही इस्तेमाल करें तब, और ज्यादा इस्तेमाल ना करें, ताजा मिल जाए। अगर ताजा नहीं मिल पाता है तो आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दुकान में या पंसारी की दुकान में फिर वो बना बनाया मिलेगा, वो रस्सी के धागे में लगा रहता है, उसको लाइए, उसको आप शाम को पानी में फुला दीजिए, शाम को पानी में फुला देते हैं और सुबह उस पानी को भी पी लीजिए, और जो एक दो अंजीर फुलाते हैं आप उनको भी ले लीजिए, या फिर आप दूध के साथ ले लीजिए खाली पेट, तो आप देखेंगे कि बहुत ही वीरवर्धक है, बहुत ही ताकतवर है। ऐसी ही जड़ी बूटी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन हमारी वीडियो 1 बजे आती है, तो आप हमसे बात करना चाहें तो हमसे बात ही कर लें, और दवाइयों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, बगैर जानकारी के इस्तेमाल ना करें जरूर, क्योंकि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की दुकान में मिलती हैं, आप गए सीधे लिए कि हमें जो है फला चीज दे दीजिए और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो बगैर जानकारी के इस्तेमाल करना न शुरू करें, ये नुकसानदायक भी हो सकता है। तो आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बगैर जानकारी के ना इस्तेमाल करें, क्योंकि YouTube में कई प्रकार की जड़ी बूटियां लोग बता देते हैं, खाए जाइए, पर उनका साइड इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो आप जानकारी जरूर करें, और हमारे मोबाइल में ऊपर नंबर चल रहा है, अगर हमसे संपर्क करने की ज़रूरत समझें तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको पूरा सही जानकारी देंगे, कोई फेक न्यूज नहीं देंगे। जब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।